से क्या पूछा गया है, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग। तो हमें यहाँ पे बताना है जो अल्ट्रासाउंड है वो हम यहाँ पे क्लीनिंग पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसी मशीन्स होती है जिसको हम नॉर्मल तरीके से क्लीन नहीं कर पाते, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्पायरल ट्यूब्स हो गई। ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक तरह की स्पायरल ट्यूब्स है, इसको हम यहाँ पे आसानी से क्लीन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर क्लीनिंग सॉल्यूशन डालेंगे। क्या डालेंगे हम यहाँ पे, क्लीनिंग सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्लीनिंग सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लीनिंग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव्स को पास करेंगे। तो हाई फ्रिक्वेंसी के कारण जो क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से वाइब्रेट करता है। तो जो यहाँ पे कोने कोने में यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे क्लीनिंग सॉल्यूशन पहुँच जाता है, उनको वहाँ पर लूज करता है, फिर वो यहाँ पर क्या करते हैं, क्लीनिंग सॉल्यूशन में आकर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। तो जो हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्लीनिंग पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी मशीन्स में यूज़ हो सकता है, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में यूज़ होता है, और जो स्पायरल पाइप्स होती है जिसको हम यहाँ पे आसानी से क्लीन नहीं कर पाते वो हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की हेल्प से क्लीन कर पाते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।